नाले क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ब्रेकफास्ट चल रहा है। किधर? मैं इस वक्त जी, अच्छा जी, पहले तो फैंस अस्सलाम वालेकुम सारों को। आप लोगों की काफी गिले शिकवे रहते हैं मुझसे कि YouTube चैनल बनाया हुआ है लेकिन वीडियो शेयर नहीं कर रहे। तो मैं सफर पे निकला हूँ और आई एम इन दोहा नाउ, और दोहा से मैंने जाना है यहाँ से काठमांडू, और मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलूँ, अपने साथ ट्रैवल कराऊँ। ठीक है, तो आपने मेरे साथ ट्रैवल करना है, पूरा काठमांडू दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं किया, तो क्रिकेट की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दुनिया घूमने की, तो यस। और ख़ास तौर पर जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है न्यूजीलैंड टूर, जिस तरह पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल हुआ, और जिस तरह टीमों को बुलाया जाता है तो किसी प्रोसेस के थ्रू आते हैं वो लोग, सिक्योरिटी आती है पहले, क्लियरेंस मिलती है, एंड देन पे टीम्स आती हैं, तो जाने का भी कोई प्रोसेस होना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाना चाहिए। इसलिए कि स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट हैं, इसमें रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेके आने में, और मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल एफर्ट्स भी थी इसमें, और साथ में टीम, पीसीबी, गवर्नमेंट, इनकी बड़ी कोशिश थी किसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, लेकिन जिस तरीके से रिस्पांस मिला है मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है, और इस तरह नहीं होना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा उन सारे मुल्कों को सपोर्ट किया है जहाँ पे काफ़ी थ्रेट्स मिली है पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ जाके खेलें, तो न्यूजीलैंड एंड देन इंग्लैंड, मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए एक दूसरे का। और मैं इसलिए नेपाल जा रहा हूँ, काठमांडू जा रहा हूँ, वहाँ की लीग हो रही है, दो मैचेस के लिए जा रहा हूँ, क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने जा रहे हैं, जो कि एज अ प्रोफेशनल एथलीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो जगह थी, यहाँ पे जो इनके राजाज होते थे पहले, जो पहले ये नेपाल राजाज चलाते थे, 2007-8 में मेरे ख्याल में ये ख़त्म हुआ है, और ये उनका जो है ना वीकेंड रिजॉर्ट होता था। हमारे एक टीममेट थे मंकी को, जो है ना मॉन्की कहते थे, मैंने कहा क्या, कहते शाहिद भाई यहाँ मॉन्की थे, मॉन्की, मैंने कहा क्या थे यहाँ पे, शाहिद भाई बंदर है, बंदर। ये 850 साल पुराना ट्री है जी। Lunch. I'll get some sandwiches, french fries. आज मैं आप लोगों को एक ट्रिप करा रहा हूँ, ये वो ट्रिप है जो लोगों की विश लिस्ट में होता है कि ये करना है, और मुझे आज खुशी है कि आज कर रहे हैं, और वर्ल्ड 10 हाईएस्ट जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, उनमें से 8 नेपाल के अंदर है, 8 नेपाल में है, तो ये बहुत ही स्पेशल ट्रिप होता है, इसके लिए सुबह जल्दी उठना होता है,
जल्दी उठता हूँ मैं अपने लिए भी, लेकिन आप लोगों की, इसलिए आप लोगों को मैंने विजिट कराना है। आए दिखाता हूँ मैं आपको। माउंट एवरेज जी 28,000 से अबव की हाइट है जी। ये सामने वाले, दिस इज मकालू सर, ये वाला जी, इसका नाम है मकालू। और वेयर इज माउंट एवरेज दिस साइड? से इस साइड है। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ये नेपाल जो है 70-80% जो है टूरिज्म के ऊपर चलता है, और जो हमारे पीएम साहब का इनिशिएटिव है, टूरिज्म के हवाले से, वो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। पाकिस्तान भी बहुत ही खूबसूरत है, सिर्फ टूरिज़्म को और प्रमोट करना चाहिए हमें। अब जी पूरा दिन आज बहुत एक्टिविटीज़ थी, टीम एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी, और अब जा रहे हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन है, और प्रेसिडेंट ने हाउस भी दिखाते हैं आपको नेपाल का। लेकिन क्रिकेट से, क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिक्स है, मेरा बिलीव है इस बात पे, तो मैं उसी चीज को लेके यहाँ पे नेपाल पे आया हूँ। और जो रिस्पांस मुझे यहाँ के लोगों से मिला है, आउटस्टैंडिंग। ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से ये दिन होंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और नेपाल की टीम को मैं इन्वाइट करूँ पाकिस्तान, इंशाल्लाह वहां जाके बात करूँ थ्रू एम्बेसी। ये इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव लाजमी लूंगा। आमिर जो है वो बड़ी बात है, यहाँ की लीग क्रिकेट कराई है इन्होंने, पूरी ऑर्गेनाइज की है। वेरी वेल डन। कराची बीच, एक कराची जी हमारे कराची का बीच है। हो गए जी सारे डिनर्स विनर्स, हो गए। अब अपनी टीम को तो मिलूँ, उससे तो मिला ही नहीं हो टीम से। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये था कि जो मेरे फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो लाजमी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। नेपाल बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है, खूबसूरत जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप मेरे साथ, आप लोग भी घूमें, ठीक है। और यहाँ पर भी बारिश हो रही है जाते जाते, और कराची में भी सुना है कि आज बारिश हो रही है।